सभी दोस्तों राम राम। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। तो आज की हमारी नेक्स्ट क्लास आ गई भाई। तो नेक्स्ट क्लास में 31 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं। कई साथी भाई पीडीएफ की डिमांड कर रहे थे। मैं आपको बता देता हूँ भाई, फ्री पोस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। टॉपिक वाइज एमसीक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेंडिंग प्रश्न है टॉपिक वाइज। चाहे आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, 20 से 25 नंबर के हरियाणा जी के किसी एग्जाम में आ रही है, किसी एग्जाम में 10 नंबर की आ रही है, तो किसी एग्जाम में 8 नंबर की। यानी हरियाणा कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो बिना हरियाणा जीके के आपको देखने को मिले। चाहे आप न्यू सीट एग्जाम की तैयारी करें, हरियाणा JBT, हरियाणा HTET, ग्रुप सी, ग्रुप डी, HPSC, ठीक है ना, सभी जगह हरियाणा जीके आती है। तो आपके लिए भाई इंपोर्टेंट प्रोविंसियल क्वेश्चन पेपर जो लेके आया हूँ, इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो एक बार, ठीक है ना। सारी चीज़ अवेलेबल हो जाएंगी, आप अपना पढ़ाई पे समय दे लो, ठीक है ना भाई। हरियाणा में एक बात हो जा रहा है, सीधा के कराया करें पैड़ा पे चढ़ने की कोशिश करें। आपने बूढ़े कया करा है नहीं भाई, पैड़ी पे वहाँ टेक के 20-40 सीढ़ियाँ ने देख ले, 20-40 पैड़ियाँ ने देख ले, वो पैड़ा पे चढ़ागा तो चोट खाऊगा। इब आपने, मैं पहली क्लास से ही सारे क्वेश्चनों की PDF सेंड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है ना। आप क्या करोगे, ठीक है ना, एक बार तो पहली बार ही PDF पूरी देखोगे, उसके बाद एग्जाम से पहले देखोगे। बीच वाले प्रश्न कहीं एग्जाम में टपक गए तो आप सी का डी लाया होगे। इब आपके दौरे पेपर का भी टाइम दिया गया है, ठीक है ना, 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपका न्यू सीटी लिया जाएगा, तो उसमें टाइम है ना। तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम 30 से 35% डेली एक वीडियो में एक क्लास में कराएंगे ना, तो अपना लगभग सारा मटेरियल कवर हो जाएगा। और वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है, ताकि और सब्जेक्ट को भी आप अहमियत दे पाओ। और सब्जेक्ट कौन से, जैसे रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जो आपके एग्ज़ाम के लिए सही है भाई, ठीक है ना। एक सब्जेक्ट पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, सभी सब्जेक्ट पढ़ने से सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। एक वीडियो आपको 15 से 20 मिनट की प्रोविंसियल पेपरों की मिल गई, ठीक है ना, वो देखो आप डेली डेली आपके लिए वीडियो आ रही है ना। तो एक वीडियो देखोगे तो फिर क्या और सब्जेक्ट की देखोगे, ठीक है ना। किताब भी पढ़ लिया करो, ठीक है, यूट्यूब पे पढ़ने से भी सिलेक्शन, ठीक है ना कहीं आपको मिस करेगा। फिर जो आपके पास किताबें अवेलेबल हैं, ठीक है, सबसे पहले उनको कवर करो। PDF आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। जो साथी कह रहे थे, एक बार आप अपना समय इनको दीजिएगा, ठीक है ना। डेली हम 30-30% भी कवर करेंगे तो आराम से कर लेंगे। एग्जाम से पहले आपको PDF भी दे देंगे, ताकि आप बाद में जो प्रश्न प्रैक्टिस करें हैं ना, उनको एक बार ध्यान मार के जाओगे तो भी आपका प्रश्न ठीक मिलेगा, ठीक है ना। अपना स्कोर बूस्ट करना है तो भाई CET परी में अच्छा स्कोर बना लो, CET मेंस में वो 3 साल खातर काम आओगा। तो बिना देरी किए भाई प्रश्न फोकस करा, तो पहली क्लास तक लास्ट तक आप जरूर देखिए। जिस साथी ने पीछे वाली क्लास नहीं देखी, तो पीछे वाले क्लास आप आपसे देखिएगा भाई, प्रश्न आसान हो मुश्किल हो तो अपना काम है उस प्रश्न को याद करना, कितने पेपरों में आया है ये ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो पीछे वाली क्लास देखिएगा, आगे की क्लास देखने के लिए भाई बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है सब्सक्राइब के सामने, उसको दबा लें। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वीडियो के नीचे टेलीग्राम दिया गया, जो भी आपकी लेटेस्ट अपडेट PDF, ठीक है ना, वगैरह वगैरह जो भी अपडेट आती है, सारी चीज़ें आपको सबसे पहले टेलीग्राम पर देने का काम करते हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए अब मुद्दे की बात कर लेते हैं भाई। 31 नंबर प्रश्न क्या है आपके सामने, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला बनाया गया है। हाल ही की बात हो रही है, ठीक है ना, क्यों हो रही है, क्योंकि 2017 के अंदर की हम PDF उठा रहे हैं, यानी 2017 के पेपर में जो प्रश्न आया है ना, वो तो हाल ही की बात करेगा। तो भाई हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा कौन सा जिला बनाया गया, चरखी दादरी जिला बनाया गया, जो भिवानी जिले से अलग हुआ है। डिटेल में कराएंगे, ठीक है, कोई भड़क लेने की जरूरत नहीं। भिवानी जिला का लगो या 22वां जिला बना है, 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी जिला सामने आया, ठीक है ना, बनाने की मान्यता दी गई थी भाई, कब, 1 दिसंबर 2016 को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा, हरियाणा का इतिहास नामक पुस्तक किसकी है, कई बार पूछा गया है, HSC जो आपको ऑडिटर का एग्जाम लिया गया 2015 में, प्रश्न आ लिया, पंडित श्री राम शर्मा हरियाणा इतिहास नामक पुस्तक लिखते हैं। इनकी एक और पुस्तक थी भाई हरियाणा नवरत्न किसकी पुस्तक है, हरियाणा इतिहास और हरियाणा नवरत्न पंडित श्री राम शर्मा की। हरियाणा सरकार ने 1976 में हरियाणा साहित्यकार पुरस्कार देने का काम किया था, किसको, पंडित श्री राम शर्मा को, कब, 1976 में। हरियाणा
का नाम हरणा रखा था भाई, किसने हरणा नाम रखा हरियाणा में, ठीक है ना। हम भगवानों की पूजा करते हैं, अपने देवताओं की पूजा करते हैं, क्या कहते हैं कि हे परमात्मा हे भगवान हमारे सारे संकट हरणा, सारे दुखड़े हरणा, ठीक है ना। तो हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज वर्धन से नहीं, वैद्य से नहीं, महाराज चंदी से नहीं, महाराज कृष्ण से, ठीक है ना। हे मुरली वाले हमारे सारे दुख हरना, हे श्याम महाराज, ठीक है ना, हे महाराज कृष्ण हमारे सारे दुख हरना, ऐसे याद कर लो यार, कितना आसान प्रश्न है, ठीक है ना, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। भाई जो खास डिटेल है ना, जो खास प्रश्न है, ठीक है ना, उसको डिटेल में भी कराएंगे, जो आसान है उसने जल्द कराएंगे। तो हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो हरियाणा उच्च न्यायालय भाई चंडीगढ़ में है। इब कई कहूँगे कितना आसान प्रश्न है, क्यों टाइम गवा रहे हो, आर्टिकल ध्यान दे लिए भाई, 214 में, ठीक है, हरियाणा के अंदर एक उच्च न्यायालय होगा, यानी प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, कौन से आर्टिकल में है, 114 में। इब कमेंट बॉक्स में बताइयो, भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट होगा, यानी भारत का जो, ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, वो कौन से आर्टिकल में होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, देखा कितनी तैयारी है तारी। हरियाणा की सीमा किस सीमा से सटी हुई नहीं है, भाई हरियाणा की सीमा कौन सी सीमा से सटी नहीं हुई, भाई सीमा तभी मिलेगी आपको जब नौकरी लगोगे, वरना तुमसे सीमा क्या रहेगी, सटी रहेगी, दूर ही रहेगी। तो हरियाणा की सीमा किससे सटी हुई है, तो किससे सटी हुई नहीं है ये पूछा है, तो किससे नहीं है भाई, गुजरात से, ठीक है ना, गुजरात से नहीं लगती, कौन से राज्यों से लगती है, पांच राज्यों से हरियाणा की सीमा लगती है, कौन कौन से है वो कई बार हम कर चुके हैं, आप भी बता दियो, ठीक है। तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है 44212 वर्ग किलोमीटर, हरियाणा का क्षेत्रफल है, देखो कितने पेपरों के अंदर प्रश्न आ लिया, HSC ऑपरेशन थिएटर एसिटेंट 2021, HSC ग्रुप डी, HSC PGT सिकोलॉजी 2015 सोशियोलॉजी, ठीक है भाई, सोशियोलॉजी है यू, क्योंकि HSC जो क्या है ऑडिएटर 2015, उसके अंदर भी आफ्टरनून के अंदर ये पेपर में प्रश्न पूछा गया। अब कई साथी कई बहनों कह दें इंग्लिश में गलत बोल दिया, तो प्रश्न पे ध्यान देने भाई, हरियाणा कुल क्षेत्रफल, हम भाई सारे कमेंट देखा, सारी चीज़ें देखा, ठीक है ना, चाहे गलत हो चाहे सही हो। तो हरियाणा क्षेत्रफल भाई आपका 44212 वर्ग किलोमीटर, तो एक नवंबर 1966 को हरियाणा बना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भाई 20वां स्थान हरियाणा भारत में रखता है, कौन सा स्थान रखता है, 20वां स्थान रखता है भाई, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, हरियाणा का राजकीय खेल, तो हरियाणा राज्य के खेल कुश्ती है भाई, HSC वाटर पंप ऑपरेटर ग्रेड का जो आपका एग्जाम हुआ था 2017 के अंदर, उसमें ये प्रश्न आ लिया, जमासान है कुश्ती है भाई, कुश्ती कैसा खेल है, ठीक है ना, कुश्ती जो पहले अखाड़े में मिट्टी का जो अखाड़ा खोदा जाया करता, ठीक है, आज भी खोदा जा रहा है, लेकिन ये जो प्रचलन है ख़त्म होने जा रहा है, अब क्या आ गई है, मैटों की कुश्ती आ गई है, मैटों पर कुश्ती करते हैं, ठीक है ना, पहले मिट्टी की कुश्ती होती थी, अब भी होती है, ठीक है ना, गाँव के अंदर तो अब भी मिल जाएंगे आपको सरकारी स्कूलों में अखाड़े, जो शाम को बच्चे अखाड़े पे कुश्ती करने आते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैटों की कुश्ती का प्रचलन बढ़ गया धीरे धीरे भाई, ठीक है ना, और मैटों की कुश्ती ही अब आपको देखने को मिल रही है, लेकिन अखाड़ों की कुश्ती में क्या होता था, एक तो आपकी भाई शारीरिक जो स्थिति है वो क्या थी, अष्टपुष्ट होती थी, आप मिट्टी में खेलोगे, मिट्टी में रहोगे ना, तो आपके अंदर भाई ठीक है ना, सारी चीज़ें जो आपकी प्रोसेस है शरीर की वो बहुत बढ़िया रहेगी, तो शारीरिक बल से भाई जो आपकी कुश्ती लड़ी जाती थी, मिट्टी की कुश्ती सबसे बेस्ट है, लेकिन अब क्या है, मैटों की आ गई, तो मैटों की कुश्ती को भी नकारा नहीं जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे जो टाइम है, ठीक है ना, समय का जो प्रचलन है भाई, उसी के अनुसार चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, तो ये चीज़ें रहेंगी भाई आपके सामने, जो बिना किसी शस्त्र के केवल शारीरिक बल के सारे लड़ी जाती है उसको क्या कहा जाता है भाई, कुश्ती, ठीक है ना। हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पैसा भाई, हरियाणा के लोग के काम धंधा करें, कृषि, कृषि भाई यानी खेती बाड़ी एक ऐसी चीज़ है हरियाणा के लोगों की, ठीक है, जहाँ पे की जाती है भाई, जब कोरोना काल आया ना भारत के अंदर, कोरोना काल COVID-19, तब क्या भाई भारत की अर्थव्यवस्था किसने थामी थी, कृषि ने थामी थी, यानी खेती ने थामी थी, इसलिए किसान है जो हमारा अन्नदाता है भाई, ठीक है ना, सरकारों को और एक राज्य सरकार को, भारत सरकार को इनकी और भाई विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना, जिस दिन भाई इसने खेती बाड़ी करनी छोड़ दी, कृषि करनी छोड़ दी, उसी दिन, ठीक है, चाहे आपकी कौन से संसाधन हो, चाहे आप कितनी तनख्वाह ले रहे हो भाई, सारी सिस्टम की जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाएगी,
खेती भाई सभी जगह सारी चीज़ें हमें ठीक है ना खेती से अवेलेबल हैं। तो आम किसान, आम जनता, आम चलन जो हमारा है भाई, इस पैसे को ज़रूर बचाया जाए। इसके लिए जो मुआवजे हैं, जो चीज़ें हैं ठीक है ना, उनके लिए समय समय पर सरकार ठीक है भाई अपना फंड जारी करे और किसान को भी हौसला मिले। तो किसान का भाई जो है मान सम्मान वो ज़रूरी है करना। तो 1984 में पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य की मांग सबसे पहले किसने उठाई भाई, जैसे हरियाणा की मांग उठाई गई थी तो तारा सिंह ने पंजाब राज्य की मांग उठाई थी सबसे पहला। किस आदमी ने? तारा सिंह ने, सरदार तारा सिंह, 1948 में उठाई गई, इतना ध्यान कर लो ठीक है ना। किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन हुआ? सरदार ऊधम सिंह की सिफारिश पर भाई, सरदार ऊधम सिंह समिति बनाई गई थी, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना ठीक है ना। कौन से पेपर में लिया? तरश्यामी है, मैंने बताने की जरूरत नहीं, HSC PGT इंग्लिश 2015 ठीक है ना। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो भाई हरियाणा का, वगैरह वगैरह जो आपके HPSC के ठीक है ना, कोई भी आपका कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई भी एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन, उसमें भी हरियाणा जी के आवा है तो आएगा तो पेपर में ज़रूर आओगी। ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर स्थित है? भाई पर्सन बेवफाई नहीं करेंगे, तुम्हारी महिला मित्र तुमसे बेवफाई कर देगी। ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर आता है? तो आपका सरस्वती नदी के तट पर। इब्नू बताइयो हरियाणा की सरस्वती नदी कौन सी नदी है? जैसे कि प्राचीन और प्रमुख नदी यमुना है ना, तो सरस्वती नदी हरियाणा की कौन सी नदी के नाम से जानी जाती है? कहाँ कहाँ से गुजरती है एक बार यूँ ध्यान कर लो। सरस्वती नदी कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, यमुनानगर ठीक है, यहाँ से गुजरती है भाई, ध्यान कर लियो। तो यहाँ पे एक लाइन और लिखी गई, बता देता हूँ। वर्तमान में हरियाणा एवं राजस्थान सरकारें सरस्वती नदी के ऐतिहासिकता पर यानी क्या कर रही है भाई, खोज कर रहे हैं। ये जो नदी है लुप्त होने के कगार पे थे, तो इस पर खोज की जा रही है कि इसको भाई संभाला जाए। नेक्स्ट है 1966 में पंजाब पुनराआयोजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय के केंद्र शासित प्रदेश के सामने हस्तांतरित कर दिया। तो कौन सा क्षेत्र भाई क्या किया गया था, हस्तांतरित किया गया था? दो राज्यों के लिए बना था केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा भाई? चंडीगढ़ बना था। हरियाणा पंजाब का जो क्या है हाईकोर्ट, क्या है जो विधानसभा है वो चंडीगढ़ के अंदर होगी ठीक है ना। चंडीगढ़ संयुक्त राजधानी है हरियाणा पंजाब की ठीक है ना। 1952 से 1966 तक पंजाब राज्य की राजधानी थी, लेकिन उसके बाद कब, 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से हरियाणा राज्य के सर्जन होने के बाद इसको दोनों की राजधानी नियुक्त कर दिया गया। हरियाणा के उत्तर के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? हरियाणा के उत्तर में, हरियाणा भारत का उत्तरी राज्य है। हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले हैं? 22 जिले। तो हरियाणा में 22 जिले हैं, 22वां जिला हमने पढ़ा चरखी दादरी बना। हरियाणा राज्य के उत्तर में हिमालय प्रदेश, पश्चिम में पंजाब और दक्षिण में राजस्थान राज्य स्थित है भाई। यमुना नदी हरियाणा राज्य की उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर क्या करती है भाई, सीमा बनाती है। भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत भूभाग ग्रहण किया, कितना प्रतिशत भूभाग ग्रहण किया भाई? अकाउंट नेट के अंदर ये प्रश्न आ लिया आपका, 1.4 ठीक है ना। अगर देखा जाए भौगोलिक रूप से हरियाणा प्रदेश ने यानी हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.37% भूभाग ग्रहण किया हुआ है। हरियाणा कुल क्षेत्रफल 44212 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का राज्य 20वां है। महाभारत में हरियाणा का नाम क्या था? बहुध्यानक, विशालदन ठीक है ना, बहुध्यानक प्रदेश कहा जाता था ठीक है ना, बहुध्यानक प्रदेश। अयोध्या काल में भी बहुध्यानक प्रदेश बोला जाता था हरियाणा को ठीक है। महाभारत युद्ध में पहले 10 राज्य युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था भाई, 10 राज्य जो युद्ध हुआ था, 10 राज्य का युद्ध कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र का युद्ध सरस्वती नदी के किनारे पे लड़ा गया ठीक है ना, सरस्वती नदी के किनारे। और मान्यता है भाई, यानी मान्यता क्या है जो HSC एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछी है, महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया? HSC ने एक एग्जाम में आया था ठीक है भाई, आप भी ध्यान दे लेना। 900 ईसा पूर्व अनश्वर मान्य है, लगभग 900 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध लड़ा गया। ये कितना सही है कितना ठीक है वो तो देखने वाली बात है, लेकिन HSC ने जो माना वो मैंने बता दिया। हरियाणा राज्य से 30 मील दूर क्या है भाई? कर्क रेखा, उत्तर में है या? हरियाणा राज्य से 30 मील दूर उत्तर में कर्क रेखा भाई, कौन सी रेखा? कर्क, बस इतना याद कर लो, भड़क लेने की जरूरत नहीं। हरियाणा का पुरातन, हरियाणा पुरातनम नामक हरियाणा के उद्भव में पाया जाता है, क्या पाया जाएगा भाई? ध्यान से देखिए एक बार प्रश्न, सामण, ऋग्वेद, अर्थोवेद, वर्मा पुराण, तो क्या पाया जावे? HSC लैब असिस्टेंट में ये प्रश्न आ लिया, तो पाया जावे तो बता देंगे, ए आंसर है भाई सामण
चौहानों का कार्यकाल प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्राचीन टाइम की बात हो रही है। हरियाणा ने हाल ही में अपना जो स्थापना दिवस मनाया है, कौन सा मनाया भाई? 2018 के अकॉर्डिंग। अब बताइए भाई कौन सा बनाया था 2024 में? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए 2024 में कौन सा बनाया, लेकिन 2018 का पेपर में आया तो 2018 के अकॉर्डिंग है ये आपका। कौन सा भाई पंजाब से पृथक होया था, हरियाणा अलग होया, तो प्रश्न काल के दौरान हरियाणा ने अपने गठन का 53वां स्थापना दिवस बनाया, तो अब कौन सा बनाया गया 24 के अंदर? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइयो। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर भाई दोटा बेटा चोटी स्थित आती है? कहाँ पर? तमिलनाडु में, तमिलनाडु राज्य के अंदर आती है भाई। ठीक है, तो कौन सी पहाड़ी आएगी, कौन सी पहाड़ी है भाई? देखो तो डोटा बेटा जो तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी आती है कहाँ पर? तमिलनाडु में, ये चोटी भी वहीं पे है। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा यानी सिफारिश पे हुआ। किसकी सिफारिश पे? 1 नवंबर 1966 को सरदार ऊधम सिंह की सिफारिश पे हरियाणा राज्य बना था भाई। ठीक है ना, पीजीटी सोशियोलॉजी का एग्जाम 2015 में लिया गया, ओडा पूछा। जूनियर इंजीनियरिंग का एग्जाम लिया गया 2018 में, ओडा प्रश्न आ लिया सरदार ऊधम सिंह की सिफारिश पे। चाहे आसान हो चाहे मुश्किल हो कोई बात नहीं। किस वर्ष हरियाणा प्रदेश पंजाब में विलय हुआ? किस वर्ष होया भाई? जल्दी करो, ठीक है ना, क्योंकि समय नहीं है दोस्तों। समय निकाल के आपके लिए वीडियो भाई डेली अवेलेबल रहेंगी, ठीक है, डेली आपको क्लास मिलेंगी। अगर आप चाहोगे तो लाइव के लिए भी टाइम निकालेंगे, फिलहाल आपकी डिमांड पे वीडियो ही ठीक है। ठीक है ना, वीडियो क्लास ठीक है, तो 8 बजे आपको प्रीमियर पे मिलेगी। रेगुलर देखा करो, जब भी आपको समय लगे, पीछे क्लास अगर आपकी मिस हो गई, वीडियो मिस हो गई, टाइम निकाल के देखो। किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय हुआ था? 1858 में हरियाणा क्षेत्र का पंजाब में विलय हुआ भाई, 1858 में। ठीक है ना, हरियाणा पंजाब में विलय, हरियाणा वासियों द्वारा 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण हुआ। 1857 की क्रांति के कारण विलय हुआ था, ध्यान रख लियो, पर्सन इंपोर्टेंट है। किस क्रांति के कारण? 1857 की क्रांति के कारण। नेक्स्ट है, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है भाई? हरियाणा समय नया टॉपिक हमारा चला हुआ है, ठीक है ना, 2-3 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अर्जुन से जो पर्सन आ रहे हैं वह कंप्लीट होंगे, टॉपिक ही नहीं है, ठीक है ना, जो बार बार परीक्षाओं के अंदर आ रही है, देख लियो। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है, कितने एग्जाम में आ लिया, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। काला तितर, ब्लैक फ्रोकलिन, काला तितर, ठीक है ना, देखो भाई कितने एग्जाम में आ लिया, सीईटी में, ग्रुप डी में। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ भाई, कहीं तो इसने भी गलत कर देंगे, चंडीगढ़ है भाई हरियाणा की राजधानी, ठीक है ना। कब बनी कमेंट बॉक्स में बताइयो, हरियाणा की राजधानी का गठन कब होया? हरियाणा के बीच स्थित है भाई, तो हरियाणा कौन सी अक्षांशों के बीच है? 27 डिग्री से 37 डिग्री से 30 डिग्री 35 उत्तरीय अक्षांशों के बीच, तो 27 डिग्री से बताओ भाई 37 डिग्री कौन से ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में है? 30 डिग्री टू 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, तो 27 ये, ठीक है, ये आपका सही जवाब आ जाएगा। हरियाणा पूर्वी देशांतर भाई, एक क्या पूछे आपसे, देशांतरी विस्तार पूछ लिया, ठीक है, HSSC LDC 2019 में आ लिया, तो क्या है भाई 74 डिग्री 28 भाई, ठीक है, 74 डिग्री 28 से क्या है भाई 77 डिग्री 36, कौन सा ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में भाई, ठीक है, 27 28 दे रखे, कोई बात नहीं, ठीक है, अपना एग्जैक्ट पता है तो सही करांगे, ठीक है ना। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान कर लियो। प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में। हरियाणा में डिवीजन कितने हैं, मंडल कितने हैं? 6 हैं। पहला कितने थे? 4। कौन कौन से थे भाई पहला? 66 में जब हरियाणा बना, बता दियो। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है भाई? राजस्थान है। हरियाणा में 22 जिले हैं, बार बार चीज रिपीट हो रही है, राजस्थान भाई। हरियाणा, हरियाणा में भाई नीम, सॉरी दोस्तों, हरियाणा नाम का मूल है, हरियाणा नाम किसका मूल है भाई? हरियाणा किसकी भूमि रही है? देवी देवताओं की, ठीक है ना, यानी क्या भाई, देवी देवताओं की भूमि रही है, ठीक है ना, हरियों की भूमि रही है ना,
तो हरियाली भी है यहाँ पे, तो हरियाली का कह सकते हो आप नाम है। हरियाणा पूर्व में स्थित है, पूर्व में गिरा हुआ है किससे? हरियाणा पूर्व में उत्तर प्रदेश से भाई, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, ठीक है, याद कर लेना भाई। दक्षिण में, पश्चिम में राजस्थान और उत्तर में पंजाब हिमाचल प्रदेश से गिरा हुआ है। हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश है। हरियाणा के कितने वायुसेना स्टेशन है भाई, कितने हैं? पेपर देखो कौन सा था, एचएससी लैब असिस्टेंट 2018 में पूछ लिया। ये वो आज का अपना लास्ट प्रश्न है, क्योंकि 30% करा प्रत्येक वीडियो में, प्रत्येक क्लास में, ठीक है ना, दो तीन क्लासों के अंदर, ठीक है ना। कल आपकी ये हरियाणा समन्वय के जितने प्रश्न हैं जो पेपरों के अंदर आ लिए, एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, उससे आगे नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन हैं भाई? हरियाणा के अंदर दो भाई। कौन कौन से हैं? पश्चिमी वायु कमान क्षेत्र के अंतर्गत दो वायु स्टेशन है, अम्बाला वायु स्टेशन, एक आपका सिरसा, ठीक है ना। ये आपके 2016 के एग्जाम में आ लिया। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे भाई। टेलीग्राम को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली आपको क्लासेज मिलेंगी, पूरी PDF, पूरी टॉपिक वाइज, ठीक है, सारी चीज़ें कवर करेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं। आगामी परीक्षा की तैयारी कर लो, ठीक है ना, बहुत सी भर्ती आएंगी, तैयारी करते रहो भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।